स्वाति मालीवाल जी की फाइनली FIR दर्ज हुई और बयान में मेडिकल एग्जामिनेशन में ये निकल कर आता है कि स्वाति मालीवाल जी की छाती पर मुक्के मारे गए, पेट पर लातें मारी गई, थप्पड़ मारे गए, किस स्तर पर राजनीति गिर गई है, उतर गई है। यही घर है, यही अरविंद केजरीवाल का घर था जब इनकी पत्नी बैठी हुई थी और झूठे आंसू बहाने का जो जनता के सामने ढोंग करती हैं, वही एक महिला सांसद घर में पीटी जाती है। केजरीवाल जी समेत सुनीता केजरीवाल जी, आप सब चूड़ी पहनकर घर बैठे और आप इस्तीफा दें। केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी महिला सांसद की बेइज्जती करी है, उनको पिटवाया है, हम यहाँ पर राजनीतिक दुर्व्यवहार के ऊपर से उठ करके यहाँ पर एक महिलाओं के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि स्वाति मालीवाल जी अकेली नहीं है और जो दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली की बहन की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं दे सकता तो ये चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठे दिल्ली को हम देख लेंगे। अगर उनको राजनीति की इतनी चिंता थी तो कल माइक अखिलेश यादव को क्यों पास कर दिया? अगर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है तो फेस करते। उसके बाद अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह के बेटे हैं, जो कहते हैं बेटों से गलतियां हो जाती हैं, उनका भी यही बयान था और उन्होंने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हाँ कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, देख लेंगे। केजरीवाल जी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है कि किसी को पता ना चले, उसके लिए चूड़ियां लाए हैं हम उनके लिए कि वो शर्म करें। अंदर का सॉल्व नहीं कर पा रहे वो, कुछ अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे वो।